तो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशवाश होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनी का जहाँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं कहीं बाहर गई थी शिवपुरी से, तो मैं वहीं से वापस आ रही हूँ। बस अब मैं घर जा रही हूँ, अभी अपने जल्दी से घर पहुँच जाती हूँ, और फिर आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है मुझे आप लोगों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर जल्दी से चलते हैं हम घर और मिलते हैं आपसे। यहाँ तो बारिश हो रही है बहुत जम के, और अभी हम जल्दी से ऑटो देख लेते हैं और हम ऑटो में बैठ जाते हैं। की नमाज़ हो गई है और मम्मा अभी नमाज़ पढ़ रही हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ, और आप लोग भी वेट कीजिए, उसके बाद हम खाना खाएंगे। कोई रेमेडी हो जिससे हेयर फॉल रुक जाए और हेयर ग्रोथ बढ़ जाए, तो आप मुझे वो रेमेडी ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं अपने बालों से बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम जल्दी से खाना लगा लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, फिर लगा तो लेंगे, खा लेंगे फिर जल्दी से। कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम दस्तरखान पर नहीं रख रहे हैं। अभी हम बैठ जाते हैं, आ जाओ मम्मा। तो अभी हम खाने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। कितनी यम्मी पुलाव है ये, कितना यम्मी लग रहा है। ओह टू यम। बारिश के सीज़न में आलू मटर का पुलाव, बारिश हो या सर्दी, थोड़ा ठंडा सा मौसम हो, तो बहुत टेस्टी लगता है आलू मटर का पुलाव। निकाल लिया है खाना, और अभी हम जल्दी से टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा बना है। और अगर आपको हमारे इस आलू मटर के पुलाव की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम अपने रेसिपी चैनल पे ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी मामा बहुत टेस्टी आलू मटर का पुलाव बनाती हैं, और ये हमने ऊपर से गार्निश कर ली है पुलाव को प्याज के साथ। आप लोग भी खाइए फ्रेंड्स। मज़ा ही आ गया, इट्स टू यमी। मेरी मामा के हाथ के पुलाव का की तो मतलब ये कहना चाहिए, बात ही अलग है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे पास कमेंट्स आए, आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ अपने रेसिपी चैनल पे। तो तब तक के लिए आप मेरे रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे सब्सक्राइबर्स मांग रही हूँ। मामा कुछ बोल रही हैं, आप भी टेस्ट करके देखिए कि हमने कैसा पुलाव बनाया है आलू मटर का। बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो इस मौसम में थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है बारिश का, तो बहुत अच्छा। तो जब हम रेसिपी शेयर करेंगे तो आप हमारी रेसिपी से ज़रूर बना के टेस्ट करके देखिएगा, और एक बहुत ही यम्मी होती है। ये सर्दी होती है जब भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम जल्दी से खा लेते हैं, नहीं तो हमारा ठंडा हो जाएगा। फिर हम
आपसे बाद में मिलते हैं। टमाटर की एक बहुत टेस्टी चटनी भी बनाती हैं इसके साथ, वो बहुत टेस्टी लगती है पुलाव के साथ। लेकिन आज मेरी मम्मा थोड़ा जल्दी में थी, पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो इस वजह से वो नहीं बना पाई। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी इस दिन का, बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं इस दिन का, और आज वो चीज़ पूरी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आप लोग वेट कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता सकती फ्रेंड्स, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोग से रेडी हो गई हूँ, और बस अभी हम निकलते हैं जल्दी से और हम उस नन्हे से मेहमान से मिलकर आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी सिस्टर के बेटी हुई है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मैं जब उससे मिलने नहीं जा पाई थी जब वो हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैं इंदौर थी तो मैं उससे उस टाइम मिलने नहीं जा पाई थी, लेकिन मुझे उससे मिलने तो जाना ही है ना, उससे मिले बिना तो मैं रह ही नहीं पा रही। तो बस मैं अभी उससे जल्दी से मिलकर आती हूँ। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मैं आपको भी मिलवाती हूँ, मैं खुद भी मिलकर आती हूँ। आप यहाँ से देख पाए हैं तो दैट्स योर लक, अदरवाइज मैं आऊँगी और आपको मेले का व्लॉग ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट व्लॉग मेरा मेले का ही होगा आपके लिए। चलिए फिर चलते हैं अभी और जल्दी से मिलकर आ जाते हैं। तो अभी बस हम पहुँच गए हैं और जल्दी से चलते हैं अंदर। एक बार एक अंदर खोलो उसको, उसको बाहर करो। ऐसे ही खाला यही काम करती है, खाला तो ऐसे ही उठाती है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी तो ये मैंने कुछ पिक्स लगाए हैं। मेरी सिस्टर के यहाँ आई हूँ और मुझे ये सब खाने को मिला। ये वाले लड्डू बहुत स्पेशल होते हैं। अभी हम घर जाने के लिए निकल गए हैं और देखते हैं घर पे कुछ और नया कर पाते हैं या नहीं। और हमने ये खाना खाया और बस इट फॉर दिस व्लॉग। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Why?